पूजा के बारे में बोलिए आप बजाना से। हैप्पी छठ पूजा आप लोगों को, बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल सृष्टि यूएसए। हैप्पी छठ पूजा आप सभी को। छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं छठ पूजा में न्यू एडिशन न्यू जर्सी में ये पूजा होती है, बहुत ही धूमधाम से होती है। ये सजावट वगैरह आप जैसा कि देख रहे हैं वीडियो में, और फुल वीडियो को फुल वॉच करिएगा। बहुत लोगों से बात भी हुई है, और जो पड़प की हैं उन सब से भी बात हुई है मेरी। इतनी अच्छी लाइटिंग की सजावट हुई है लाइट की, तो आप देख रहे हैं ये एडिशन न्यू जर्सी में हो रही है, बहुत दूर तक हुई भी है इस सजावट। लोगों की भीड़ स्टार्ट हो गई है। लोगों की भीड़ लगातार बढ़ते जा रही है। मैं खुद बिहार से हूँ, और बहुत ही आस्था के साथ इस पर्व को बच्चा से मैं देखी हूँ, मैं देखते आ रही हूँ, जो बहुत ही इस पर्व से जुड़ी हुई हूँ। और यूएसए में यहाँ पे इतने दूर हो रहा है तो बहुत ही अच्छा लगता है। हेलो गाइस, यहाँ पे देखिए प्रसाद की भी व्यवस्था है, खिचड़ी की व्यवस्था की गई है यहाँ पे इवनिंग टाइम में। और यहाँ पे हम लोग लेट से पहुँचे हैं आज, तो छठ पूजा का आपको दर्शन करवाते हैं। पहले देखिए बहुत लोगों की भीड़ है यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं। चाय समोसा, इतनी लंबी लाइन है यहाँ पे। कितना लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए इस बार कितने हम लोग प्यार से सजाए हैं, सुबह से लगे हुए। देखिए इस बार कितना आपको सजावट से पता चलेगा कि कितना मेहनत गया है, और बहुत सारे लोग आए हैं। ये सिर्फ घाट भी सजाते हैं, जिंदगी भी सजाते हैं। आप लोग छठ किए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा। फर्स्ट टाइम करी की है? वेरी गुड, इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ग्रेटेस्ट यू कैन थैंक यू, थैंक यू। फर्स्ट टाइम छठ पूजा की है। बहुत बार की है, कैसा लग रहा है? यहाँ पे यूएस में देखने को मिल रहा है, बहुत खुशी हो रही है। हाँ, बहुत अच्छे से होता है, इतने बिहारी लोगों की भीड़ है। 6 साल से कर देंगे यहाँ पे देख लेंगे। थैंक यू। They need something. We got a warm sock, but I don't know what that means. I thought when you told me you were
ये शाम की तरह है। मैया की जय, छठी मैया की जय। सजावट अरे बदल तुम चुप, अरे सवेरे जल्दी आना भैया, अभी रुकिए, अभी खाना पीना और ये सब आ जाओ चांदनी। मिला वो बहुत बड़ी बात है, पता है। बयान कर लेते हैं। हाँ आप तो हाँ, मैं बीवी को लाता हूँ। अब आपके पीछे पीछे प्रसाद है अभी थोड़ी थोड़ी सी देती हूँ मुझे। मामा नहीं है ये कि आपके लिए है? हाँ, नहीं नहीं लिया है, नहीं लीजिए आप, थोड़ी सी ले लीजिए आप। नहीं नहीं चलेगा, थैंक यू। खिचड़ी का प्रसाद गाऊ गाऊ देखिए ये सब छठ पूजा की डेकोरेशन हो के रखी है। देखिए ये सब छठ पूजा की डेकोरेशन वगैरह सब है। हम्म
हॉलीडे का बोर्ड लगा हुआ है, हैप्पी हॉलीडे का लाइट, द पोर्टेबल टॉयलेट इज देयर, इट्स मॉर्निंग टाइम। जय छठी मैया बजाना आप सभी लोगों का छठ के इस महापर्व में स्वागत करता है। कृपया करके कल जहाँ भी आप बैठे हुए थे वहीं पर बैठने का कोशिश करें। जय छठी मैया बजाना आप सभी लोगों का छठ के इस महापर्व में स्वागत करता है और आप सभी लोगों का सहयोग कल काफी इसका पूरा घेराव कर दिया गया है। वो आप लोग यहीं पे देखिए यूट्यूबर लोग आ गए हैं। हाँ यूट्यूब कैसा आपका छठ पूजा कैसा? बहुत ही जबरदस्त, हर साल की बात ही। हाँ। इस साल भी बहुत ही अच्छा रहा छठ पूजा। चलिए बहुत अच्छी बात, बोलिए छठी मैया की जय। खाना नहीं खाया गया जी। जाते समय डोनेशन करते हैं ताकि ये छठी मैया के लिए
हम लोग बेटर अरेंजमेंट कर सके। और ऐसे भी बोला गया मॉर्निंग का दान सुबह का दान महादान होता है, तो ऐसा नहीं है। अब कल अगर कॉन्ट्रीब्यूट कर चुकी है, अगर आप भी आपको एक कॉन्ट्रीब्यूशन करते जाए ताकि नेक्स्ट ईयर हम लोग अच्छा और कर सके। हम लोग हर एक साल नेक्स्ट वेलकम सो दैट वी कैन इम्प्रूव। कुछ भी शिकायत भी हो तो आके बताएं ताकि हम लोगों को पता चले और नेक्स्ट ईयर कुछ हम लोग और अच्छा कर सके। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है लाइन ज्यादा है या कुछ प्रॉब्लम है, जो भी बनाना के वॉलंटियर है उनको जाके बोले, हम तो अनाउंसमेंट डे के पास आके आप कंप्लेन हो सजेशन हो वेलकम सेंटर में सजेशन बॉक्स रखा हुआ है। अरे आइए आइए, आप जिसको आप लोग आ गए आप लोगों को देना है ना, आइए। जय छठी मैया। हाँ है एक बाकी है, एक बाकी है, है? रेड डिजाइन छोटा एक बड़ा है? लीजिए दूध। हाँ भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बिहार से इतना दूर यहाँ पे आने के बाद बिहार की कमी ही नहीं लग रही है। कमी नहीं लग रही है? नहीं, एकदम बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को कैसा लग रहा है जाना से? हम लोग अच्छा लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि यूएस में हम लोग बिल्कुल भी लग रहा है ठंडा है बहुत, इसीलिए इंडिया में होते तो वो भी अच्छा। नहीं इंडिया में इंडिया में भी तो इस टाइम ठंड रहती है, मॉर्निंग के टाइम तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपने देखी आरब में बच्चों को आरब दिलवा रही थी, वो ना पानी में उतर नहीं रहे थे, तो फिर वही है। और फिर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जय छठी मैया, जो जो आरख दे लिया और पीछे आ जाइए और पीछे आ जाइए, हो गया निकालो दीजिए। Yeah!
आंटी जी ने कहा छठी मैया की जय। आप लोगों को कैसा लग रहा है प्रसाद? आप फर्स्ट टाइम आई हैं छठ पूजा में? थर्ड टाइम? योर थर्ड टाइम। कैसा फील कर रही है? ब्लेस्ड हैप्पी छठ पूजा आप लोगों को। आपको भी छठ पूजा की मुबारकबाद। कैसा लग रहा है यहाँ पे छठ पूजा? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बता नहीं सकते। अपना बिल्कुल इंडिया और अपना, मैं तो बिहार को बिलोंग करती हूँ, रांची से हूँ। ओ रांची से? बिल्कुल रांची ही याद आता है। और इतनी ठंड में इतनी श्रद्धा से जो हम लोग कर रहे हैं सारे लोग मिलके, बहुत ही खुशी देती है। हाँ 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 सही बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। और फील नहीं हो रहा है वैसा कुछ कि हम लोग बिहार से बाहर है? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। घाट पे भी मतलब सबों ने काफी एंजॉय किया, इवन बच्चे भी काफी एंजॉय कर रहे थे और बहुत ही अच्छे से हुआ भी सभी लोगों ने। और वेदर ने भी बहुत साथ दिया, भगवान ने बहुत साथ दिया हम लोगों का, बहुत ही ज्यादा। और आप कहाँ से? मैं नालंदा से हूँ। तो फर्स्ट टाइम है छठ पूजा में? छठ पूजा का, और यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा, फील बिहार के ही आया है मुझे यहाँ। और सब कुछ बहुत अच्छा, मैनेजमेंट सब कुछ अच्छा से हुआ है। आप कहाँ से? अच्छा राजीव जी, आप नमस्कार, आप कहाँ से हैं? बिहार से? न्यूजर्सी, बिहार में, इंडिया में बोल रहे हैं। तो मैं ओरिजिनली मैं बिहार औरंगाबाद से हूँ और ऐसे पलावड़ा जमशेदपुर से हूँ। तो कैसा लगा यहाँ पे? मैं तो मतलब काफ़ी सालों से अमेरिका में हूँ, न्यूजर्सी में हूँ। तो छठ एक ऐसा पर्व था कि है क्योंकि हमेशा यहाँ पर मिस करते थे, और उस स्केल पे तो खैर सोचना दूर की बात थी। किसी भी स्केल पे हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छी। और इसका हम तो विटनेस है इसका, जब से शुरुआत हुआ उस वक्त से अब तक का। तो शुरुआत जो हुआ था वो हमारा परम मित्र विनय सिंह प्रेसिडेंसी के टाइम में हुआ था, तो उस वक्त से हम देख रहे हैं। शुरुआत भी काफ़ी ज़बरदस्त हुआ था और हर साल मतलब ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट लेवल पे हर एंगल से आगे चलते जाता है। तो मतलब ऐसा उम्मीद करना कि इस लेवल पे, जो कि हमारे हिंदुस्तान के लोग भी देख के गर्व फील करते हैं, इस लेवल पे ऑर्गेनाइज करना इसको, इस लेवल पे पार्टिसिपेशन, इस लेवल पे इसको नियम जो वध का होता है उसको निभाते हुए करना, और ये जो सौहार्द का वातावरण है, भाईचारे का वातावरण है, अपनापन का वातावरण है, एक फेस्टिव माहौल है यहाँ पे, इस लेवल का माहौल यहाँ पे रहना और मदर नेचर का इस लेवल से सपोर्ट करना, कोऑपरेट करना, ब्लेसिंग देना, ये बहुत बड़ी बात है। अभूतपूर्व अकल्पनीय मेरे ख्याल से है, मतलब अकल्पनीय क्या तो हो रहा है। लेकिन मैं छठी मैया को, सूर्य भगवान को, परमपिता परमेश्वर को, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे शब्द नहीं है कि मैं कितना अच्छा फील कर रहा हूँ। जबरदस्त आप लोग इस लेवल पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मेरी वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। यू वेलकम।
मैं पटना से शिल्पी सिंह और मैं मांडो में रहती हूँ। 2007 से यहाँ हूँ और बिहार बजाना से जुड़ी हूँ। मुझे तो लगता ही नहीं है यहाँ की बिहार में नहीं हूँ। जब से आई हूँ लगता है क्या कि जो वो माई गॉड इतना अच्छा बिहार बजाना वाले लोग इतना अच्छा सेलिब्रेशन करते हैं छठ का, और इतना अच्छा लगता है मैं कह नहीं सकती। थैंक्स टू बजाना प्रेसिडेंट संजीव सिंह जो बहुत इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बहुत अच्छा कर रहा है। चलिए, और सुस्ती है ये यूट्यूबर बजाना से किसी से सेक्रेटरी। अच्छा, तो यहाँ पे कैसा क्या ऑर्गेनाइजेशन आप लोग किए हैं? हाँ, तो कैसे क्या किए हैं, क्या क्या हुआ यहाँ पे? मेरा नाम सुशांत हुआ, मैं बजाना से जुड़ा हुआ हूँ, बजाना का सेक्रेटरी हूँ। और यहाँ पे हम लोग है कि हर साल हम लोग छठ करते हैं जो है, और हम लोग की कोशिश रहता है कि यहाँ के जितने भी आसपास के जो कम्युनिटी हम लोग हैं, जो भी लोग छठ करते हैं प्लस जिनको पता छठ के बारे में, उनको एक घर का फील दिया जाए। हाँ, बिल्कुल। और ये पापियानी पार्क में दूसरी साल हम लोग कर रहे हैं, पिछले ऑलमोस्ट मतलब 8 साल से हम लोग कर रहे हैं छठ जो है। कई बार पहले मोनरो में हुआ, कई बार पहले जैसे थॉमस पार्क, हाँ डॉल्फिन पार्क में हुआ, बट ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पापियानी सेंटर लोकेशन यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा है, हर साल में यहाँ पे करें। और दूसरा ये है कि हम लोग का जो कोशिश ये है कि जो व्रती आती है, और हम लोग पता कि बहुत सारी व्रती अभी घर पे भी कर रही है, पहले घर पे करती थी, बट कोशिश कर रहे हैं उनको यहाँ लेके आए, और उनको हर तरह का हम लोग चाहते हैं कि व्यवस्था उनका किया जाए, जाए घाट पे व्यवस्था हम लोग कोशिश करते हैं। और संयोग से क्या कि छठी मैया की कृपा से इस बार वेदर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया था, इसका लोग पूरा एंजॉय किया। हमको लगता है कि इतना तो हम लोग लगा किसी की फ्लोरिडा या फिर उत्तर वेस्ट कोस्ट में रह रहे हैं, ईस्ट कोस्ट में कभी ऐसा लगा कि नहीं कि ईस्ट कोस्ट में। नहीं नहीं, और वो भी नवंबर में इतना अच्छा से वेदर है, बहुत छठी मैया की कृपा है, वेदर बहुत अच्छा। और जहाँ तक मुझे भी लगा कि लोग यहाँ पे न्यूजर्सी, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, कनेक्टिकट, उसके बाद कल लोग जैसे बाल्टीमोर से भी मिला रहे थे, मेरीलैंड से थे लोग से जो है, इसके अलावा लोग बहुत सारे लोग यहाँ से काफ़ी दूर से इंडिया से काफ़ी लोग थे जो है, कुछ कुछ लोग हैं जो कि 8 साल के बाद और 10 साल के बाद अपना जो लोग जो आए हैं यहाँ, तो उन लोग लग रहा कि ये कि लगता है कि बहुत एकदम उनको ऐसा फील था कि हाँ कि भागलपुर या फिर जो पटना का जो गंगा किनारे का जो हमारे बिहार के साइड का, बिहार का वैसा। नहीं नहीं, बहुत खुशी होती है इतने दूर होके इतने अच्छे से देखने को मिलता है छठ पूजा, बहुत खुशी होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घाट सफाई हो रहा है आफ्टर छठ पूजा, देखिए सब लोग लगे हुए हैं साफ पूरे सफाई में। देखिए सब लोग मेहनत कर रहे हैं, छठ पूजा का छठ पूजा समाप्त हो चुका है और सब लोग सफाई में लग गए हैं, बच्चे भी लगे हुए हैं, बड़े भी लगे हुए हैं, पूरे सफाई कर रहे हैं लोग। यहाँ पे सफाई करके ही जाना पड़ता है, इस कारण से यहाँ पे सफाई करके ही जाना पड़ता है। सफाई करने वाली शिल्पी है। हाँ, ये है शिल्पी जी। ये मेरी सिस्टर की फ्रेंड है, जो इतनी बड़ी यूट्यूबर चैनल की। बच्चे लोग भी लगे हुए हैं पूरे सफाई करने के बारे में बोलिए। आज हम लोग आप यहाँ के क्या हैं? यूएस के न्यूजर्सी में छठ पूजा मना रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका एक हमारा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरा नाम है संजीव सिंह। अच्छा। और इस छठ पूजा में आज करीब 1200 से 1400 लोग आए, बहुत लोग थे अर्घ देने के लिए, सब लोगों ने अर्घ दिया, और ये जो एक पर्व है हम लोग के लिए काफ़ी पावन और आस्था वाला पर्व जो कि बिहार और झारखंड और अदर पार्ट ऑफ इंडिया में जो लोग करते हैं और अपने घरों में करते हैं वहाँ पे, उससे दूर रह के भी अमेरिका में लोग देखने को मिल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा मतलब सब पे आशीर्वाद है, और कम्युनिटी का एक ये भी है कि किस तरह से हमारा कम्युनिटी यहाँ पे जुड़ा हुआ है और कितना स्ट्रांग है अमेरिका में, तो उसके लिए छठ माँ की तरफ से तो सबको हम लोग को आशीर्वाद मिल रहा है, ऐसे ही हमारा कम्युनिटी ग्रो करते रहे। जय छठ पूजा।